गोपाल जी, यूटी पावरमैन यूनियन के जो है पदाधिकारी हमारे साथ है, आइए हम इनसे कुछ चीजें और जानते हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों की तो बिजली, आम बंदे की बिजली बंद कर दी गई है, लेकिन जजेस की और साथ में जो है आपके अधिकारियों की, फैसले लेने वाले जो बैठे हैं पदाधिकारी हैं जो ऊपर हैं, उनकी तरफ से तो वहाँ बिजली बहाल कैसे है? पहली बात तो मैं आपकी बात को पूरा डिनाई करता हूँ कि हमने किसी की बिजली बंद की है। हमने कोई भी बिजली बंद नहीं की है। हम कल रात को जब 12 बजे था कटा के अपने घरों में बैठे हुए, यहाँ रैली करके भी हमने घरों को चले जाना, ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि वो जो उन्होंने ड्यूटियां लगाई हैं, जो उन्होंने अफसर लगाए हुए हैं, वो जो उसको मेंटेन करे। उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उन्होंने कंप्लेंट सेंटर बनाए हुए हैं, उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई है, उनकी ड्यूटी बनती है। इस करके हम तो ये काम ना हमने कभी किया, ना हम कभी करते हैं, ना आज किया है। और लगातार जो अगर कोई जैसे अभी तूफान अंधेरी जैसी आ रही है, हवा चल रही है, ऐसे मौसम में आमतौर पर भी कई बार बिजली बंद हो जाती है। हमारे एम्प्लॉय तो बिजली उस टाइम देन एंड देयर जाके चालू कर देते हैं। जी अगर सरकार के कोई नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी लगाई है, जेई की ड्यूटी लगाई है, वो जाके अगर वो फिटर ऑन कर देते हैं तो बिजली चालू हो जाएगी। हम वहाँ नहीं जा सकते आज की हालत में, क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है किसी ने शरारत करी हो सरकार के बंदू ने हमें बदनाम करने के लिए कि काम आप करें, इनको बदनाम कर दो। अगर हम जाएंगे तो ब्लेम हमारे ऊपर लगेगा, इसलिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने ना किसी बीआईबी सेक्टर की बंद की है, ना हमने कोई दूसरे सेक्टर की बंद की है। हम ये काम करते नहीं है। अगर कोई बंद हुई है तो बंद, अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। हमने नोटिस देके उनको हड़ताल कर रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट पर कर रहे हैं, तनखा कटा के हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए करते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी और प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं कि जो आम आदमी के लिए जो मुश्किलें हैं सरकार से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और पूरा चंडीगढ़ 70-80% चंडीगढ़ इस वक्त बिजली बंद हो सकता है। कोई कुछ चुनिंदा जो वीआईपीज हैं उनकी बिजली चालू है, जो लोग आरोप लगातार चालू कहीं अगर कोई होती है, और अगर हो रही है तो चालू होगी वो, क्योंकि बंद तो कहीं हुई नहीं है। अगर किसी ने बंद किया या नहीं किया या चालू है तो हमारा उसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मदद सिर्फ इतना है कि हम अपनी बॉक्स के बाद हड़ताल कर रहे हैं, सरकार हमारी बात मान ले हम तो वापस कर देंगे। और पहले भी इस तरह का हुआ है कि जहां जहां भी हड़ताल जाएगा तो नेगोशिएशन का प्रॉब्लम हुई है, सरकार फैसला वापस ले लेगी, तो हम जो है अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन नोटिस देने के बावजूद जब कोई फैसला होगा तभी हम दफ्तरों जाएंगे। अगर हम आज की डेट में और बिजली जाते हैं तो हमारे पर ब्लेम लगेगा। इसलिए जो बंद कोई किसी ने शरारत हो जाए, शरारत करी हो किसी ने, वो सरकार का बंदा हो सकता है, किसी एजेंसी का बंदा हो सकता है, हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन हम इस तरह के काम कभी नहीं करते। 3 दिन की हड़ताल के बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमको तो सरकार ने मारा भी है और धूप में भी जो है वो सुन रहे हैं, छाए में डर डाल रहे हैं, हम तो मरे मरे हैं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी कोई गलत काम करेगी, कोई रिप्रेसिव एटीट्यूड अख्तियार करेगी, तो ये हड़ताल जो है इंडिपेंडेंस डे होगी। हुआ ही नहीं है, जो किसी ने किया है या कोई बंद हुई है तो चलाना जो है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनको चलाना चाहिए, उनको ये काम देखना चाहिए जिनकी ड्यूटियां लगी हुई। नहीं, चलाना तो एक चीज है, लेकिन बंद पहले किसने करी है? जो बंद हो गई है बिल्कुल, हम मैंने पहले आपको कहा है कि हम जब 12 बजे वहां से निकले हैं, अपनी चाबियां उनको दे के हैंड ओवर करके चलती बिजली दे के आए हैं। हम ये कह कहेंगे हम 72 घंटे बाद आएंगे तो हम चलती बिजली देंगे, और वो बिजली कहीं बंद हुई है, कहीं डाउन हुई है, कहीं फॉल्ट पड़ा, ब्रेक डाउन हुई है या ट्रिपी हुई है, तो जो लोग बैठे हैं जो सरकार की ड्यूटी बनती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करनी चाहिए। आप 3 दिन के दौरान जो है हम अटेंड नहीं करेंगे, हमारी तनख्वाह कटती है, हम अपनी कॉस्ट पर हड़ताल कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हड़ताल कर रहे हैं, पब्लिक के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और हम इस करके हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो कहीं बिजली बंद हुई है तो सरकार को देना चाहिए, उन्होंने बिजली कैसे। धन्यवाद।